जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामने शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर का आज हम लोग पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और बहुपद हम शुरू करें इसके पहले हम आपको बता दें कि महामने शूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th, 10th, 11th, 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए आप तत्काल यहां एडमिशन ले लीजिए। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारे इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है वो वाराणसी की टॉप फैकल्टी है। यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं। और सबसे बड़ी चीज यह भी है कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ लोग हैं, इसलिए आप तत्काल यहां एडमिशन ले लें क्योंकि सभी बैच, सभी न्यू बैच शुरू हो गए हैं और एक लिमिटेड सीट के बाद फिर न्यू एडमिशन नहीं लिया जाएगा, इसलिए आप तत्काल एडमिशन ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, और इसके हम लेक्चर वन को हम शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर वन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे बहुपद के बारे में। तो देखिए बहुपद की डिफिनेशन क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों चिन्हों का प्रयोग हो सकता है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत से पद होते हैं, नाम ही है बहुपद, तो ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत से पद होते हैं उनको हम बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम आपको दें तो ये उदाहरण x^5, x^7, + 2x^5, + 3x^5, + 7x³, + 8x² + 7x, + यहां सपोज कीजिए लिख देते हैं 5। तो ऐसा, अच्छा एक चीज और है, यहां कोई जरूरी नहीं कि हर जगह प्लस ही होगा, यहां माइनस भी हो सकता है। जब प्लस माइनस दोनों साइन होगा ना, दोनों चिन्ह होगा, तभी इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब ही हुआ कि उसमें प्लस और माइनस दोनों होगा। तो जरा ध्यानपूर्वक समझे आप, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उसको हम बहुपद कहते हैं। और आप जरा ध्यान से देखें, बहुपद की अंग्रेजी पॉलिनोमियल होती है, इसलिए इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यह यक्ष के रूप में है ना, तो इसको हम पी यक्ष से प्रदर्शित करेंगे। सपोज कीजिए अगर यह वाई के रूप में होता ना, तो इसको हम पी वाई से प्रदर्शित करते, टी के रूप में होता पी टी से प्रदर्शित करते। यानी यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, अब चर किसको कहते हैं, वह राशि जिसका मान चेंज हो रहा हो, जो जो चर चल रहा हो, जो चेंज हो रहा हो, उसी को चर कहते हैं। तो इसमें यक्ष जो है चर है। और यहाँ पर देखें इनको हम कहते हैं गुणांक, गुणांक यानी कोफिशियंट। ये x^7 का कोफिशियंट यहाँ 5 है, x^6 का कोफिशियंट 2 है, x^5 का कोफिशियंट -3 है। साइन के साथ लिखते हैं, -3 कहेंगे, 3 नहीं कहेंगे। और x³ का कोफिशियंट 7 है, x² का कोफिशियंट -8, x का कोफिशियंट 7, लेकिन 5 को जो सबसे लास्ट में है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, उसको स्थिरांक कहते हैं। तो ये बहुपद रहा। अब हम आपको ये बता दें कि किसी भी बहुपद के चर के अधिकतम घात को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर चर यक्ष है और इसका अधिकतम घात जो है 7 है, तो अगर आपसे इस बहुपद का घात, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं,
अगर आपसे इसका घात पूछा जाए, डिग्री पूछा जाए, तो इसको आप याद में रखे रहिएगा, इसकी डिग्री जो होगी वो 7 होगी। कोई भी बहुपद हो, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात को ही हम उस बहुपद का घात कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो, सपोज कीजिए 7x+5 हो, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c। अगर इसके रूप में कोई टर्म आएगा, कोई बहुपद आएगा, तो इसको हम कहते हैं द्विघात। द्विघात रैखिक को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और द्विघात को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको आप सब लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब इसके बाद जो आगे की बात है, हम आपको बता दें, इसी तरह से अगर घात 3 होगा तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए, त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघातीय बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद, जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। अब एक चीज हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई बहुपद है, देखिए बहुपद px है, तो इसको हम चाहे तो y = px लिख सकते हैं। अगर x के रूप में है तो बहुपद y = px होता है। अब देखिए y = अगर px है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बता दें, यह x अक्ष है, x डैश, इसको यक्ष अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज दिशा में अक्ष होता है उसको यक्ष अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में अक्ष होता है उसको y y' कहते हैं। अभी एक बात यहाँ समझना है आपको कि अगर कोई बहुपद यक्ष के रूप में है और बहुपद का कोई ग्राफ खींचा गया है, तो यह ग्राफ यक्ष अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। शून्यांक, या इसको शून्यक भी कहते हैं, शून्यक, जिसको हम इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, शून्यक। लेकिन शून्यक होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, समझिए। यक्ष का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यक्ष का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं या जीरोज कहते हैं। तो कुल मिलाकर के शून्यक का मतलब होता है यक्ष का मान, यक्ष का जो मान निकलता है वही शून्यक होता है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए, ये हमने एग्जाम्पल आपको दिया है, और याद रखे रहिए, ये जब y = px के फॉर्म में होगा बहुपद, p का मतलब पॉलिनोमियल, और यह पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई बहुपद px के रूप में होगा ना, तो हम देखेंगे कि ये
इसका जो ग्राफ खींचा गया है, ग्राफ यक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है, वाई अक्ष पर कितने जगह पे काट रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। हमको इससे मतलब होता है कि यह बहुपद यक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है। तो देखिए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, तो यह ग्राफ यक्ष अक्ष को तीन बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? तीन होंगे। जवाब दिया करिए आप लोग, इसके शून्य तीन हो जाएंगे। अब हम जो है प्रश्नावली शुरू करेंगे 1.1, और आप सभी लोग देखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब लोग अपने बुक को खोल लीजिए। 1.1 नहीं 2.1 हम शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं बोर्ड पे जो लिखी गई हैं? चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं, और अब जो है हम प्रश्नावली 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.1, ये प्रश्नावली 2.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 2.1 को 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के 6 पार्ट है। तो चलिए यहां पर हम प्रश्न संख्या 1 बताने जा रहे हैं, और देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखना है। लेकिन पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है किसी बहुपद पी एक्स, जैसा कि अभी हमने बताया है कि बहुपद को पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इजकल टू पी एक्स, जब वाई इजकल टू पी एक्स दिया होता है ना, तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो वाई इजकल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो शून्य के बारे में हमने आपको बताया था कि यह यक्स का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम शून्य कहते हैं। तो चलिए पहले वाले में जो ग्राफ दिया है देखें, ये है यक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, और इसमें जो ग्राफ दिया गया है वो इस तरह से दिया हुआ है। अब आप बताइए यह ग्राफ है, यह ग्राफ यक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है? यह ग्राफ वाई अक्ष को काट रहा है, यक्स अक्ष को तो कहीं नहीं काट रहा है। तो यक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो जीरो हो जाएगा। ये एक भी जगह पे नहीं काट रहा है, वाई अक्ष पे काट रहा है, आपको देख करके समझना होगा। अब इसके बाद अगर इसके हम सेकंड ग्राफ को देखें, तो देखें सेकंड का जो ग्राफ दिया है ये है यक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, और देखना है यह ग्राफ ऐसे बना हुआ है। अब देखिए कि यह ग्राफ यक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है? यह केवल एक जगह पर काट रहा है यक्स अक्ष को, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो एक होगा। अब इसके बाद जरा हम लोग थर्ड पार्ट को देखें, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखें, ये यक्स अक्ष है और फिर ये जो है वाई अक्ष है, वाई वाई डैश, और देखें यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है वो इस तरह का दिया हुआ है। तो अब जरा हम लोगों को देखना है कि यह ग्राफ यक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है। तो 1, 2, 3 तीन जगह पे काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक जो होगा, इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब इसी तरह से अगर इसके हम फोर्थ पार्ट को देखें, तो देखें फोर्थ पार्ट में जो ग्राफ दिया है
ये है यक्ष अक्ष और ये है वाई अक्ष, और फोर्थ पार्ट का जो ग्राफ दिया गया है वो ऐसे दिया हुआ है। तो आप देखिए यह यक्ष अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है, यक्ष अक्ष को दो जगह पे काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है एक यहाँ काट रहा है। तो अब इसके जो शून्यक होंगे, इसके शून्यकों की संख्या दो होगी। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, इसके फिफ्थ पार्ट को देखें, तो फिफ्थ पार्ट में यह यक्ष अक्ष है और ये वाई अक्ष है। और अब इसका जो ग्राफ देखा जाए वो इसका ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखना है हम लोगों को कि यह यक्ष अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है। तो एक दो तीन चार, चार जगह काट रहा है। इसलिए इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो चार होगी, इसके शून्यक चार होंगे। और इसके बाद अगर हम लोग इसके सिक्स पार्ट को देखें, तो ये है यक्ष अक्ष और ये है वाई अक्ष। और अब हम लोग देखें कि इसका ग्राफ कैसे खींचा गया है। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे खींचा गया है, इसका ग्राफ ऐसे है। तो अब हमको देखना है कि यह कितने जगह पे काट रहा है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर केवल टच कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है। नीचे से आता तो दो जगह काटता, यहाँ से टच करके जब कोई बिंदु को टच किया जाता है तो एक पॉइंट को टच किया जाता है। तो इस पॉइंट को टच करके चला जा रहा है, इस पॉइंट को टच करके चला जा रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो अब देखें एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये। तो इस प्रकार इसका जो शून्यक होगा यह शून्यक तीन होगा। और ये आपकी प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है, कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि बहुपद से संबंधित जो हम लोगों का पहला लेक्चर था, और पहले लेक्चर में प्रश्नावली 2.1, और जानते हैं जब अगला लेक्चर होगा तो प्रश्नावली 2.2 हम ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में 2.3 ख़त्म कर देंगे। तीन दिन में आपका ये जो दूसरा चैप्टर है बहुपद का, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे ग्राफ समझ ही नहीं पाते हैं कि इस ग्राफ में है क्या। तो इन सब चीजों को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। आप सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. और अगर आप भी समझना चाहते हैं तो तत्काल मामने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो टीम है टीचर्स लोगों की, ये वाराणसी की सबसे टॉप टीम है। तो आप एडमिशन ले लें तत्काल, वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर मोस्ट वेलकम।